और बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। जहां जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी हमारे भक्त बैठे हैं, उन सब के लिए हमारा आशीर्वाद है। और सबसे पहले सारे बोले भाई जय बाबे दी, जय बीबी दी, जय वीरे दी। हमारे जो भी भक्त जिन्होंने होली पहले अटेंड की हुई है, चाहे किसी भी साल में 20-25 सालों में कहां कहां भी उन्होंने अटेंड की, रूप जरूर बदलते रहे लेकिन शक्तियां वही हैं, कृपा वही है, और फर्क सिर्फ इतना है अब बाबा आपके घर घर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम सबको बताना चाहेंगे कि अब फेसबुक पर हम बोल रहे हैं लेकिन इंस्टा पर भी लाइव आ रहा है, दोनों पर साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इस पर भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, तो जिनके भाई इंस्टा के अकाउंट हैं वो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरफ हम जब बात इंटरेक्शन होगा, बात होगी तो वो इंस्टाग्राम पर होगी, और या जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है उसका लिंक पहले भेजा गया है, और वैसे फेसबुक पर जो देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। आज का दिन बहुत खुशियों भरा होता है, साल भर तो शक्तियां कृपा करती रहती हैं, लेकिन इस रात की विशेष कृपा होती है वो हर कोई जानता है, कहने की जरूरत नहीं। बाबा इतनी बार लोगों ने देख लिया, महसूस कर लिया कि क्या होता है, वो कहने सुनने की अब गुंजाइश नहीं रह गई, लेकिन जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है, उस कृपा वो कृपा जहां होती है वहीं होता है। और हम अपने भक्तों को एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं, उन्होंने कितना कुछ देखा इस दरबार में, शुरू से जो आ रहे थे उनको 20-25 साल हो गए होंगे, तो उन्होंने जो जो देखा कि कैसे कैसे वो बदलता जाता है, समय के अनुसार बदलता जाता है, और जैसे शक्तियां का खेल जो है वो इतना बड़ा है कि वो किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, और वो कृपा जो है वो सर चढ़ के बोलती है, और उसको सारी दुनिया भी रोक ले तो नहीं रोक सकती, क्योंकि वो उस ऊपर वाले की कृपा जो है वो जगह जगह दुनिया के हर कोने में, चाहे किसी युग में भी रही है तो रहती है। यहां आपने जो कुछ भी इतने सालों में देखा, यहां किसी को आज तक भी ना कुछ बेचा गया, ना कुछ दिया गया, ना कुछ तंत्र मंत्र दिया गया, सिर्फ उन सच्ची शक्तियों से जुड़ने की राह जरूर बताई जिनको आपने मंदिर में सजा रखा है, जिसको मानते हैं। तो हमने सिर्फ वो आईना दिखाया कि वो शक्तियां हर समय हर पल सब कुछ देख रही हैं, ये मत सोचो कि वो देख नहीं रही हैं। आदमी कहता है कि हम सब कुछ करके निकल जाएंगे, लेकिन हमारे भक्तों ने यही देखा, महसूस किया, और क्या क्या आपने भी देखा, कितने तूफान आए, कितने चले गए, और अभी भी क्या क्या होता है वो कहने सुनने की गुंजाइश नहीं, अपना अपना कर्म है, हर कोई कर रहा है, लेकिन हमारे भक्तों ने जो अटल सच्चाइयां देखी इस दरबार की, ना वो कभी भूल सकते हैं, ना आने वाले युगों में बुलाई जा सकती हैं, क्योंकि वो शक्तियों की कृपा है। और यहां किसी को कुछ दिया नहीं जाता, कुछ बेचा नहीं जाता, और सिर्फ उस सच्ची राह के साथ जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसके साथ जोड़ा जाता है। भाई अब हमारे भक्त जो है, बहुत लोगों की हमें बहुत सी चीजें आ रही होती हैं कि बाबा जी आप अब समागम कीजिए पहले जैसे था, तो क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने कई कुछ देखा हुआ है, लेकिन हम सबको बताना चाहते हैं समय समय पर वो चेंज जरूर होता रहता है। अब क्योंकि वो थोड़े में था, अब आप जानते हैं कि फेसबुक या इंस्टाग्राम या ऑनलाइन जो है वो घर घर जहां बैठे हैं वहां तो शक्तियों को सब पता होता है, उनका खेल है, जैसे जैसे वो चलाते जाएं वैसे वैसे हम चलते जाते हैं, और ये कृपा में कभी कोई अंतर नहीं आता है। ये हर एक आदमी ने महसूस किया होगा जहां भी बैठे होते हैं, और चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना, मन की सोच क्या है, किस किस मंदिर में गए, कहाँ कहाँ किया, अपनी पूजा क्या की, अपना कर्म क्या किया, वो लेखा जोखा तो उनका पूरा है, तो उससे फिर क्या दूर भागना। उस सच्चाई को समझ जाओगे तो भटकन से दूर निकल जाओगे, और हम यही अपने भक्तों को आज तक यही सिखाया है, यही बीज डाला है उनमें कि आडंबर नहीं कर रहे,
आपने कोई उपाय नहीं करने, जिसको आपने मंदिर में सजा रखा है उसी की पूजा करते रहो। और यहां भी और किसी के नहीं, उन्हीं शक्तियों की कृपा है। और जो हमारे भक्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, फ्रेब क्या है, छल क्या है, और इस दरबार में क्या है, बाबा क्या है, दुनिया क्या कहती है, क्या सच्चाई है। और जो महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत से इंटरेस्ट होते हैं, हमको अपनी राह पर चलना है और हमारे भक्तों को भी अपनी राह पर चलना है, और वो राह सिर्फ सच्ची शक्तियों की है, और कुछ करने सोचने की जरूरत नहीं। हर कोई अपना जो कर्म करता है उसका भुगतान उसी को करना पड़ता है। भाई हमारे भक्त अब, क्योंकि हमें पहले ये फेसबुक पर जो है लाइव आ रहा था, इंटरेक्शन इस पर होता था, लेकिन बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग नहीं रखते हैं, और हमने भी नहीं रखा था पहले, लेकिन वे फीचर यहाँ पर जो आ गया कि इसमें सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, और जो इंटरेक्शन होगा वीडियो पर आके जो आपसे बातचीत होती थी, वो वही फीचर अब इंस्टाग्राम में है। तो वही हमारे भक्त किसी से पूछ के, जैसे भी जो लिंक भेजा गया है, ऐप डाउनलोड करें, ऐप स्टोर से करें, प्ले स्टोर से करें, जब इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है नरुलवा का, वो आप निकालिएगा, वो कर लीजिए। फेक अकाउंट्स में नहीं जाना है, तो फोटो दिखाए कुछ मर्जी करे ना, आपने कभी किसी का यकीन पहली गांठ ये बांधी है कि कभी भी बाबा किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट इस तरह नहीं भेजते हैं ज्वाइन करने के लिए, और कि अपना नंबर दीजिए ये सामान बेचा जाएगा। जहां भी ऐसा है तो समझ लीजिए आपके साथ धोखा हो रहा है। हर एक ने इसके लिए अलर्ट रहना है। कभी बाबा किसी को उपाय नहीं बताते हैं, और कोई पैसे मंगाए बिल्कुल ऐसा नहीं आपने करना है, किसी को पैसा नहीं देना, कोई सामान नहीं बेचना, कोई कहे मिलवा देंगे, बिल्कुल नहीं। जब हम आएंगे ऑनलाइन वीडियो पर बोलेंगे तो समझिए कि वही सच्चाई है, और जब हम करते हैं तो सबके लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को कह देंगे कि हाँ तुम्हारे लिए कर रहे हैं और दूसरे के लिए, होता है तो सबके लिए। जो नियम होते हैं वो जरूर उनकी कसौटियाँ होती हैं, जो जो होता है। अब हमारे भक्त जो है भैया, उनके हमें मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी देर से आ रहे हैं। तो ये भाई हमें दर्शन शर्मा हैं, विनोद कुमार हैं, दिलीप हैं, भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और ये सुनैना नाथ हैं, भाई सबसे पहले तो हम सबको होली जो है मुबारक जो भेज रहे हैं, सबके लिए खुशियों भरी होली मुबारक है। और यहाँ हर कोई जानता है वो रंग जो होते हैं यहाँ के होली के, वो बाजार में मिलते नहीं हैं कहीं, वो ऊपर वाले के रंग हैं। उस रंग में जो है हमारे भक्त रंगे होते हैं, और ये हमारा आशीर्वाद है कि जहाँ जहाँ भी हमारा भक्त बैठा होगा उसी रंग में जो है होली के रंगा जाएगा जो कि ऊपर वाले के हैं। और उस रंग में फिर आदमी को कुछ और नहीं सूझता है, तो उसकी मौज मस्ती सूझती है। तो हमारा आशीर्वाद है। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, कमल हैं भाई इधर हमें, क्योंकि अब दो जगह एक साथ आ रहा है तो हमें थोड़ी सी आपको भी सुविधा होगी, हमें भी होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हाँ जी, अब हम भाई साथ में इंस्टा के भी हमें थोड़े थोड़े नाम जो है वो जरूर लेंगे हम। ये भाई बहुत से लोगों ने ये टेढ़े मेढ़े नाम रख रखे हैं, तो वो तो हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन जिसका सही नाम होगा वो जरूर हम कोशिश करेंगे। भाई ये मानिक श्वेता हैं, आशीर्वाद है, और सुषमा रानी हैं, आशीर्वाद है, और ये अग्रवाल हैं, आशीर्वाद है। भाई ये इंस्टा वाले थे, ये इधर फेसबुक में रितु जायसवाल हैं, आशीर्वाद है, और मीनाक्षी दास हैं, आशीर्वाद है। हम अपने भक्तों को आज एक चीज़ और बताना चाहेंगे जो हर बार हम सबको कहते हैं,
और ये होली में ही नहीं हमेशा कहते हैं, लेकिन जो हमारे भक्त होली में इतने सालों से आ रहे हैं, खानदान के खानदान जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि इस दरबार में ना कोई तंत्र किसी का चलता है, ना मंत्र चलता है, ना कोई उपाय चलते हैं, चाहे कोई बलियां देता रहे या उल्टा सीधा करता रहे, लेकिन इस दरबार का रास्ता उन शक्तियों का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, और कभी भी हमारे भक्त का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ये हमारा आशीर्वाद है, आपने किसी का गलत करना नहीं, आपका कोई गलत कर नहीं सकता। भाई अब हम ये सुमन है, अनीता है, भाई आशीर्वाद है इनके लिए, और ये निर्मला सिंह है, ज्योति अरोरा है, आशीर्वाद है इनके लिए, और ये सोनाली विश्वास हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी, और निशांत हैं, आशीर्वाद है इनके लिए, और दिनेश पांडे हैं, आशीर्वाद है, राठौर हैं, और भी ये प्रतिमा प्रकाश हैं। भाई आप लोग हमें कभी इधर देखना पड़ता है, कभी उधर, तो थोड़ा क्योंकि इंस्टा पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी है, तो ध्यान कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। भाई ये सुदेश कुमारी हैं, आशीर्वाद है, सुधा देवी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई ये क्रियान हैं और लकी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई विपिन कुमार गोयल जी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए आशीर्वाद है, और भाई ये रविंदर हैं और निशा हैं, अभी हम चाह रहे हैं कि कैमरे का हो उधर शुरू हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी। भाई इधर पुष्पा देवी सोनी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी, और ये भाई जिनको ये हम सबको बता दें, जो कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर, तो प्रणाम बाबा जी, हाँ जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम बाबा, भाई आशीर्वाद है, भाई इंस्टाग्राम पर होली का प्रणाम लीजिए बाबा। बिल्कुल भाई, होली का आपका प्रणाम स्वीकार है, और मेरे बेटी पे कृपा कीजिए बाबा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली वैशाली गाजियाबाद, दिल्ली वैशाली एनसीआर। हाँ। चलो भाई दिल्ली एनसीआर एक ही बात है, तो हाँ। आशीर्वाद है भाई। सबसे हाँ। पहले एक चीज बताइए, साईं बाबा बहुत सामने आ रहे हैं हमारे। हाँ बाबा, मैं बहुत भक्त हूँ साईं बाबा का। बहुत भगत हैं, ये बताओ हाँ। कब गए थे? मुझे बहुत इच्छा है बाबा, लेकिन नहीं जा पा रहे बाबा। बहुत इच्छा है, नहीं जा पा रहे हैं साईं बाबा। हाँ, बहुत इच्छा है कृपा करने की, फिर कैसे होगी पूरी कृपा? हाँ बाबा, आप कृपा कीजिए, हम पहुंच जाए सीटी बाबा। चलो आशीर्वाद है। अब मेरे पति पे कृपा करिए, बहुत अस्वस्थ है बाबा। भाई आशीर्वाद है, जो आपका साईं बाबा का सोचा हुआ था, जाइए कृपा, लेकिन मेरे पति पे कृपा कीजिए बाबा। हाँ भाई, आपके पति पर के लिए भी आशीर्वाद है, और ये हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है अभी आपके? मैं रोज पढ़ती हूँ बाबा, मैं बहुत पूजा करती हूँ। आप पढ़ते हैं, आपके पति पढ़ते हैं कि नहीं?
वो भी पढ़ते बाबा। हाँ, क्योंकि बजरंग बली का कृपा जरूर शुरू हुआ है, लेकिन ये जो हाँ सारी कृपा का आपका कहा है वो कर लीजिएगा। और ये रंग होली का बड़ा सामने आ रहा है, गुलाल हाँ अभी मेरे पति लाए हैं बाबा, मैं कल आपको भाई चढ़ाऊं। लाए निकालो हैं तो शुरुआत कीजिए, निकालिए उसको, निकालो है निकालो बाबा, आज हम आपको पुआ पुआ के भी व्यवस्था खिला, में भाई बाबा मैं आपको पुआ बना के खिलाई थी बाबा। खोलो निकालो निकालो, बाबा को दो भाई बाबा सारे मेरे। भक्त हमारे देख रहे हैं, तो ये होली के रंग बाबा ऐसे खेलते हैं, निकलवा निकलवा। हाँ ये बाबा ये रंग रंग भाई, उड़ा दीजिए सारे भक्तों पर आपकी बाबा, जय जीत बाबा जय का ये। जय बाबा, बाबा जय। जय बाबा। चलो भैया बाबा भाई मुझे आगे खुशी बढ़ते दीजिए हैं। बाबा, मैं दुखी बहुत रहती हूँ, कैंसर हाँ आशीर्वाद में है रहती अब हूँ भाई, बाबा। प्रणाम आगे अब आपसे होली खेल रही, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबा, आशीर्वाद है। थैंक यू बाबा, बहुत खुश हुए बाबा, आपसे लाइव मिल के बहुत इच्छा थी बाबा। आशीर्वाद है भाई। थैंक यू बाबा, प्रणाम। चलो अब ये अपना भैया इंस्टा का थोड़ा बंद हो गया। हाँ जी भैया, इंस्टा का तो इंटरेक्शन एक से जरूर हो गया, होली भी खेली है भक्तों ने, लेकिन अब ये जो यहाँ भी आ रहे हैं हमारे फेसबुक पर, ये होली के रंग उनके ऊपर भी उसी तरह जाएंगे जैसे उधर गए हैं। अब क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आप इधर नहीं देख सकते हैं, तो भाई इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए, तब फिर जो है लाइव आपका भी वीडियो आना जरूर शुरू हो जाएगा। तो फेसबुक पर तो आएंगे ही, लेकिन साथ में इंस्टा पर दोनों तरफ का आता है। हाँ भाई श्रीधर जी आशीर्वाद है, और प्रतिमा जी और ये पुनिया लामा है आशीर्वाद है, ये सुमित सालवे हैं कोई आशीर्वाद है आपके लिए, और शशि शर्मा है आशीर्वाद है, और ये पूजा है, पिकाली मुखर्जी हैं भाई आशीर्वाद है उनके लिए भी। जो भी हमारे भक्त देख रहे हैं, जहां जहां भी देख रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि जो आप करते हैं, हम कुछ चीजें जो इतने ही बार बताए हैं उसको जीवन में उतारिए। भटकन जिसके मन में है, दुविधा है, कैलकुलेशन है, तो वो कभी उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। शक्तियां हमेशा सच्चे मन के साथ, जहाँ कोई दुविधा नहीं होती, जहाँ कोई सोच गलत नहीं होती। देखिए उन वो इतनी कृपा करते हैं, आदमी जितना चाहे उनसे पा ले, और वो किसी का काम है, नौकरी है, शादी है, कोई एंडलेस भंडारा है, उसके लिए उनकी कोई कमी नहीं है। हाँ दूसरों का नहीं देखना है, एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना है। जब आप ऐसा करते हैं तो जरूर कृपा रुकती है। आदमी कहता है कि मैं बहुत से किस्से, अब इतने सालों में इतने लोगों के आए हैं जो भक्तों ने देखे, आंखों से महसूस किया, जो निकल निकल के आता है, तो भाई वो शक्तियां एक छोटी से छोटी, आप सोच लेते हैं जाना है और डिले कर देते हैं, तो वो सोचते ही उस शक्ति की कृपा शुरू हो जाती है। और जब आप थोड़ी देर होती है तो कमी आती है, और देर होती है तो और कमी आती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा समय हो जाता है तो फिर वो शक्ति फिर अपनी शक्ति दिखाती है, और उनके बिना चारा नहीं। और ये समझ लीजिए कि आपने अगर कृपा पानी है तो बाकी सब कुछ छोड़ के बाद में जब आदमी जाता है तो शुरू में ही उनसे जुड़ के क्यों ना रहा जाए, तो फिर परेशानी कहाँ, फिर तो वो चुन लेती है, फिर कौन चालें चल रहा है, कौन आपको पीछे खींच रहा है, या कहाँ आगे बढ़ना है पता भी नहीं चलेगा, कहाँ कैसे वो निकाल के ले गए। तो आप
उस शक्ति के साथ जुड़िए जिसको आप मानते हैं, और वो बहुत थोड़ी सी भी पूजा सच्चे मन से कर लेते हैं, आडंबर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल वो शक्ति कृपा करती है भाई। हम फिर कोशिश करते हैं कि किसी को कैमरे पर लिया जा सके इंस्टा में। और जो जैसा जैसा कर्म करता जाता है वैसा ही उसको रिजल्ट मिलना है, तो क्योंकि वहां कुछ छुपता नहीं, मल्टीप्लाई करके आता है। जब अच्छे करिएगा तो उन्होंने अच्छा फल देना है, और जब आप किसी कोई गलत करते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई करके आता है भाई। ये काफी समय लग रहा है उनको, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। भाई आशीर्वाद है, ये निवी है, निशी है, और भाई लगता है कि ये इंस्टा का ट्रेंड है, सबके बड़े उल्टे सीधे नाम और लंबे लंबे नंबर, तो भाई उतना तो उसमें पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भाई ये मीना है, आशीर्वाद है, पूजा दत्ता है, आशीर्वाद है उनके लिए भी। और रवि है, आशीर्वाद है उनके लिए। और सीमा शर्मा है, वही आशीर्वाद है उनके लिए। और अर्चना प्रसाद है, उनके लिए बिल्कुल आशीर्वाद है भी। अर्चना प्रसाद जी, आपका माता का बहुत आ रहा है, तो उनके जाके एक चुन्नी चढ़ा दीजिएगा। और ये रेखा है, आशीर्वाद है इनके लिए भी भाई। रेखा और ये नीता प्रधान है, आशीर्वाद है उनके लिए भी। मनीष कुमार हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद है। और ये चेतना अग्रवाल हैं भैया, आपके और आपके बेटे के लिए बिल्कुल आशीर्वाद है। और ये आशा सिंह हैं, श्वेता शर्मा हैं, और सीता राघव हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी। भाई काफी समय लगा रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैमरे पर लाइव लेने की कोशिश कर रहे हैं। आना शुरू हो गया है जी। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है, कहाँ से आप बोल रहे हैं बाबा जी? हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भाई, एक चीज आप बाबा जी के पास जी आशीर्वाद है कि सूर्य को जल आप कब दिए? सूर्य बहुत आ रहे हैं, ट्यूजडे को देते हैं, मंगलवार को या संडे को दो दिन देते हैं, कभी छूट जाता है। लास्ट कब छूट क्यों जाता है?
वो मतलब स्नान नहीं करते हैं तो छूट जाता है बाप उस दिन, ऐसा पूजा नहीं किए तो। आप किसी भी दिन, ऐसा नहीं कि आपने बना लिया है कि मंगलवार देना है या कोई और दिन जी, मंगल लेकिन संडे को दो दिन, किसी भी दो दिन दे दीजिएगा तो सूर्य की कृपा आ रही है तो वो बिल्कुल चलती रहेगी। और एक तिरुपति बालाजी की तरफ क्यों ध्यान गया भाई? तिरुपति बालाजी की तरफ कभी नहीं गए बाबा जी? गए तो नहीं है, कहाँ देखा है, कोई डिस्कशन किया है? नहीं कभी नहीं। ये बताइए कि इडली डोसा कब खाया है? साउथ इंडिया की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है हमारा? बनाते हैं, हो गया ज्यादा दिन हो गया बाबा जी। अच्छा, ज्यादा दिन हो गया बनाए हुए, और घर पर बनाते हैं? जी घर पे कभी कभी बनाते हैं। आपके नजदीक कोई बालाजी का मंदिर हो वहां पर जाइएगा, और एक काम और कीजिएगा, बड़ी अच्छी इडली बना लेते हैं तो भाई 5-10-10-15 बना के अब गरीबों में बांट दीजिएगा तो बिल्कुल कृपा अनेश हो जाएगी, आशीर्वाद है हमारा। और एक सेकंड नहीं होता है बाबा जी, कोई भी मेरा काम बड़े कोई काम नहीं, जॉब के लिए भी कब से करते रहे हैं तो नहीं हुआ, घर भी नहीं बना है। बांके बिहारी कब गए भाई? बांके बिहारी हो गया है 2 साल करीब हो गया होंगे जी। बांके बिहारी एक बार ही गए हैं दर्शन। भाई आप अगर साल का भी नियम बना लेंगे तो उनकी कृपा आएगी। और ये लड्डू गोपाल भी आ रहे हैं? लड्डू गोपाल तो गए नहीं है, घर में है। हाँ, घर में रखे हुए हैं। मक्खन मिश्र चढ़ाया कभी? नहीं कभी नहीं चढ़ाया बाबा जी, सोचते हैं आपका सुनते हैं तो। हाँ सुनते हैं, मक्खन मिलता ही नहीं है बाबा जी। अरे मिलता क्यों नहीं है, दुनिया भर का मक्खन मिलता है, जितना चाहो घर में निकाल लो ले आओ, एक बार मक्खन मिश्री का मंदिर में ही चढ़ा देंगे, मंदिर में चढ़ा देंगे है, फिर काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। घर भी नहीं बन रहा है बाबा जी, और जॉब के लिए जो कहा है वो कर लीजिए तो आपके रास्ते बिल्कुल खुलने शुरू हो जाएंगे। अब प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद है। इतना समय हम चाहेंगे कि सबको जितना मैक्सिमम दिया जा सके तो दिया जाए। भाई आपको दूसरा नंबर भी उधर इंटरेक्शन का लग गया, लेकिन ये फेसबुक पे राजेश पांडे जी आ रहे हैं भाई, आशीर्वाद है। और नेहा राजवंशी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और इंदिरा हैं, अनुश्री घोष हैं, और सुनीता गुप्ता हैं, अंजू शंकर हैं, सब के लिए आशीर्वाद है। और हम फिर कोशिश करते हैं भाई कैमरे पर किसी को लिया जा सके। ये मोहिंदर है, सरोज भाई, देखिए कोशिश है कि और कैमरे पर कनेक्ट कोई हो जाए। हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ जी प्रणाम, आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं? आपका वीडियो आना शुरू हो गया, आवाज गुलू आवाज दो ना बाबा जी, हम बहुत परेशान रहते हैं आपके आशीर्वाद। आ रही है अभी आपकी, यहाँ तो आ रही है। आप नहीं आ रही थी। प्रणाम, कहाँ से बोल रहे हैं पहले? बाबा जी मैं पटना से बोल रही हूँ, बीना श्रीवास्तव। अच्छा पटना से भाई, पटना में जब समागम हुआ था तो आए आप? बहुत पहले हुआ? नहीं पर बाबा जी उस समय हम नहीं आ पाए थे। पता था ना हुआ है? हाँ पता तो था बाबा जी। क्योंकि भाई आते तो कृपा अभी तक चलती रहती ना, आशीर्वाद है। बाबा जी बहुत परेशान है, मेरी बड़ी बेटी बहुत बीमार रहती है बाबा जी। एक चीज और बताइए, ये बजरंग बली का बड़ा आ रहा है भाई, जो भजन मंदिर पटना स्टेशन के पास है, वहाँ कब गए थे आप? जी बाबा, वहाँ कब गए थे? 3-4 महीना हो गया बाबा। कितना दूर है? बहुत दूर नहीं है बाबा जी। कितना समय कितना लगता है? मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है बाबा जी। 10-15 मिनट लगता है, लेकिन 4 महीने बीत गए, फिर कहते काम नहीं बनते हैं। अरे महीने में कम से कम एक दो बार जाया करो,
फिर बजरंगबली की कृपा अनिश हो जाएगी। जाओ अब जाके आप बूंदी का प्रसाद करा देना और ये काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और एक ये बर्फी बड़ी आ रही है, अभी कब खाई है आपने? बाबा जी हम तो नहीं खाए, बहुत दिन हो गया खाए हुए। हाँ, और कभी चढ़ाई थी कि नहीं? नहीं चढ़ाए तो नहीं है। ऐसा है कि एक बार चढ़ा दीजिएगा, और खाने के लिए तो जब आप लाना चाहें तो बिल्कुल ला सकते हैं। और हनुमान जी को चढ़ा, हनुमान जी को ही चढ़ा दीजिए। और एक चीज और, एक सेकेंड, ये गुरुद्वारे की तरफ ध्यान जा रहा है अभी। आप पटना साहब गुरुद्वारे गए हैं कभी? हाँ गए हैं बाबा जी, बहुत दिन। वहाँ कितना समय हो गया? आधा घंटा एक घंटा लग जाता, एक घंटा लग जाता। नहीं, दिन कितने हो गए? एक साल हो गया बाबा जी। हाँ तो भाई कम से कम साल में एक दो बार वहां जाया कीजिए। ये दो जगह जब आप कर लीजिएगा ना, बाकी तो आप जो करते हैं पूजा बिल्कुल कर। और ये देवघर की तरफ ध्यान चला गया भाई, भोले आ रहे हैं। देवघर कब गए? हो गया बाबा जी एक साल हो गया। वहां भी एक साल हो गया, सबका सालों का रिकॉर्ड है, है? तो अच्छा ये कांवर लेके तो नहीं जाता था? कांवर लेके तो हम बहुत पहले शादी के पहले गए बाबा जी, बहुत दिन देख हो गया। शादी के पहले भोले के कांवर ले गए, अभी तक भोले को याद है ना, है हमेशा याद रहता है। वो कृपा भी चल रही है, लेकिन आप कांवर ना भी ले जा सके, जितना निभा सके उतना कर लीजिए, लेकिन देवघर जरूर आप जाइएगा। तो फिर आपके धड़ाधड़ काम बनेंगे, आशीर्वाद है हमारा, भोले की कृपा बनी रहेगी। ठीक बाबा जी, मेरी बड़ी बेटी बहुत बीमार है। आशीर्वाद है जो कहा है वो कर लीजिए भाई। जो भी हमारे भक्त, अब आवाज तो आ ही रही होगी तो सुन रहे होंगे कि कितना समय शादी से पहले वो गए कांवर लेके, सालों साल बीत गए होंगे, 20 साल या 30 साल 40 साल जो भी बीते, लेकिन अभी तक वो कृपा चल रही है और वो याद रखते हैं। लेकिन उस स्थान को हर, ऐसा नहीं है कि शक्तियां कहती हैं जो नहीं निभा सकते हैं, कभी आदमी पैदल लेके जाता है, जितना निभा सके, एज हो जाती है या कोई शरीर उतना अलाउ नहीं करता है, फिर भी वो शक्तियां स्वीकार करती हैं। लेकिन जो ये सोचता है, जानबूझ के नहीं जाता है कि समय नहीं मिला, तब फिर गड़बड़ होती है, या वहां आके जो है नजदीक से निकल जाए नहीं जाए, तब शक्तियों की कृपा जरूर उसमें फर्क पड़ता है। तो भाई हमारे भक्त, हालांकि हमारी इच्छा तो यही थी कि आपके फेसबुक पर भी हम उसी तरह इंटरेक्शन साथ होता, लेकिन अब इनका फीचर ही जो है वो उसमें बंद हो गया है। भाई ये मोहन है, वर्षा करनी है, आशीर्वाद है इनके लिए। एक कोशिश करके देखते हैं हम, पता नहीं वो आपको जाएगा या नहीं जाएगा सही ढंग से, कि ये ये अब हमारे हाथ में है इंस्टा का, लेकिन दूसरा हम फिक्स किए हुए हैं। तो भाई ये कृष्णा धवन है, और ठाकुर हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये योगेश बत्रा हैं, प्रिया है, संतोष कुमार हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी।
ये काफी अमित है। कोशिश कर रहे हैं भैया उनको किसी को लाइव पर लिया जाए जिससे कि आप भी। बाबा जी सादर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम भैया। हम बाबा जी, मैं अश्मिता कनाडा से बोल रही हूँ। बाबा जी, हेलो बाबा जी। हाँ बाबा जी, हम लोग मई में शिफ्ट हुए यहाँ पर कनाडा। अच्छा, मई में आप कनाडा के किस शहर से बोल रहे हैं आप? जी जी बाबा जी, हम कनाडा में कहाँ से बोल रहे बाबा हैं? जी, हम लोग कैलगरी से बात कर रहे हैं बाबा जी, कनाडा, कैलगरी। जब कनाडा में समागम हुआ तो आए थे आप? नहीं बाबा जी, हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। लास्ट मई को, मई में आए थे, मगर हम बैंगलोर से आए थे यहाँ पे। तो बैंगलोर में जितने समागम होते थे हम वहाँ पे अटेंड करते थे, गोवा और अच्छा, बैंगलोर के समागम। चलो आपकी कोई बहुत भाई कृपा है बाबा जी, आप भाई बहुत कृपा आशीर्वाद है। बस जब भाई। से और जी एक एक सेकेंड भाई, वैष्णो देवी बड़ा आ रहे हैं। लास्ट आप कब गए थे? बाबा जी, हम लोग गए थे 4.5 साल 5 साल। मेरे ट्विन, दो बेटियां हैं, ट्विन्स हैं। तो वहां होने के बाद ही मेरे दोनों ट्विन्स हुए, तो उसके बाद हम नहीं जा पाए हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि जब भी जाएंगे हम जाएंगे वहां पर। हाँ तो वही बहुत जो मन है सोच रहे जाने हैं, का क्योंकि माता की कृपा से ही ट्विंस हुए थे। और जब जी। भी जो आप सोच रहे हैं, जब भी जाइएगा, अभी नजदीक जो मंदिर है जी तो बाबू जी, वहां जाइएगा, लेकिन जी बाबू माता जी, की कृपा चल रही है, लेकिन जाइएगा जी बाबू तो। जी, और मंदिर हर बार वहां से तो नहीं आ सकते, लेकिन जो नियरेस्ट है वहां आप जी जाइए। बाबू जी, एक साईं बाबा की तरफ भी ध्यान जा रहा है। जी बाबा जी, हम लोग शिरडी गए थे बाबा जी। अभी 1 साल से ऊपर हो गया है। यहाँ आने से पहले गए थे हम लोग शिरडी, और हम लोग वहां से भी भाई काफी जाते थे बैंगलोर से बाबा जी शिरडी। आपका शिरडी जाना भी मंजूर हो गया, आज आपकी हाजिरी लग गई, आशीर्वाद है हमारा। और बाबा जाइए जी, मुझे वापस। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है भाई बाबा जी। आप कनाडा कब आएंगे बाबा जी? जब आएंगे तो जरूर मुझे आपसे आपको मिलने का बहुत इच्छा है बाबा जी। भाई, मैं आपसे बहुत बार मिली अभी हूँ और अंदर तो से बहुत रिसेंटली मन हुआ है मिलने का बाबा जी था मेरा आपसे। समागम, वहां हुआ था थोड़े दिन पहले ही हुआ था, कुछ समय पहले। जी तो जी जब बाबा जी, होता है तो अनाउंस करते हैं, तो जी हमारा बाबा जी, आशीर्वाद है बाबा भाई। जी, अब मैं कहाँ कमी दूसरे है। हम लोग यहाँ पे घर लेना चाहते हैं, अभी रेंट में रहते हैं बाबा जी। तो आप प्लीज बताइए कि मतलब कैसा रहेगा। मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो प्लीज ये बताइएगा बाबा जी। फर्क पड़ना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। नजदीक जी आपके जो भी मंदिर है, एक जी गणेश जी बाबा की जी, फूलों की माला चढ़ा दीजिएगा, और जी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो जाएगा। आशीर्वाद है हमारा, जी घबराइए नहीं, अब हम जी आगे कृपा कीजिए बढ़ेंगे। बाबा जी, कृपा कीजिए। आपसे बहुत अच्छा लगा बात अच्छा करके बाबा जी। अच्छा भाई, कनाडा नंबर लग गया, लेकिन ये बड़ा इनकन्वीनियंट है। हम इस तरीके से तो उसको वैसे ही लगा देते हैं, क्योंकि ये मीना खटका है, और
चाहिए, कसना पड़ रहा है, काफी दिक्कत हो रही है उसमें, क्योंकि फिक्स रहता है तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ जी, ये सुनीता है, आशीर्वाद है, शशि गौरव है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये साधना है, आशीर्वाद है उनके लिए भी। मैं मंजू कुमारी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ये हर्ष सहाय जी हैं, भाई शुक्ला जी हैं, आशीर्वाद है। और त्रिशल आनंद है, शैलेंद्र सोलंकी हैं, माधुरी स्वामी हैं, आशा कुमारी हैं। भाई अगर जितने भी अब फेसबुक पर है, ये इंस्टा ज्वाइन कर लें तो बड़ा आसानी हो जाएगी आपको भी और हमें भी, क्योंकि फिर वो इंटरेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी हमारे ड्यूटी हैं, अब ये बिल्कुल कोशिश करें कि इंस्टा को, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, ताकि आप आराम से देख सकेंगे इंटरेक्शन, और हमें भी काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और भले फेसबुक का आप बनाए रखिए, लेकिन साथ में सृष्टि है, इसका हम कोशिश करेंगे कि परफेक्शन का सिस्टम बने। और ये आशीर्वाद है भाई, ये मोतीखर है, पिकाली मुखर्जी है, भाई घबराइए नहीं, जो बाबा से जुड़े होते हैं बुरी नज़र उन पर कोई असर नहीं करती है, ना ही किसी का कोई तंत्र मंत्र चलता है। हमारा आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बाबा के पास घंटी बजती है, वो खुद देखते हैं। ये नीता जैन है, क्लिक करने वाले थे लेकिन इसमें तो इंटरेक्शन आएगा नहीं। आशीर्वाद है, मनोज ठाकुर है, और आशीष कश्यप है, सरोज दामोदर है, आशीर्वाद है। और इसको थोड़ा सा सेटिंग हुई, हाँ जी, सुमन है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। कृष्ण राय है, और रुबेन आशीर्वाद है। और भाई आपको भी होली की बहुत मुबारक है, जिस जिसके भी मैसेज हम देख रहे हैं, जिनके मैसेज हैं या नहीं है होली के, ऐसा नहीं कि वो सबको होली की मुबारकबाद है, आप खुशियां मनाइए। और भाई ये रेखा कुमारी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, आशीर्वाद है, आशीर्वाद बाबा जी। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। हाँ जी, गुवाहाटी नंबर लग गया है बाबा जी। मेरे करियर पे कृपा कीजिए बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता।
एक चीज बताइए, कबूतर बड़े सामने आ रहे हैं, कबूतर बड़े सामने आ रहे हैं। बाबा जी हर रोज मैं देती हूँ चिड़ियों को दाना मेरे छत पे, हर रोज कबूतर मेरे, कबूतर कबूतरों को बाबा जी, कबूतर मेरे पापा ने रखा हुआ है, बोलते कबूतर को पिंजरे में रख के वो दाना देते हैं, छोड़ देते हैं तो चले जाते हैं, इसीलिए ऐसा है, ऐसा है ये कबूतर को जरूर लिए, लेकिन मजबूत नहीं हो रहा है, उसको प्रयास करिए, प्रयास पेश हो जाएगा, औरतों को जो खिले उड़ाए उनके डाले वहाँ समस्या की जाएगी, वहाँ भी कबूतर आते हैं, वहाँ भी कभी डाल सकते हैं, वहाँ भी कभी डाल सकते हैं, उसको पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद करके, इससे आप, इससे आप, क्योंकि वो बाबा जी मेरे हस्बैंड को नई गाड़ी की बड़ी इच्छा है, लेकिन उससे उसको काफी, लेकिन उसको काफी तकलीफ हो रही है, तो बैठा है, बाबा जी मेरे पति को गाड़ी की बड़ी इच्छा है, बाबा जी वो नहीं बन पा रहा है, जो कहा है जिसको पिंजरे में बंद करके रखा उसको, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। भाई जैसा कि आपने सुना, हालांकि ये दाना जरूर खिला रहे हैं, हम भी कई बार बहुत बोलते हैं कि कबूतरों का दाना डालिए, उससे जरूर कृपा आती है, लेकिन पिंजरे में बंद करके नहीं, उसको आजाद रहने दीजिए और फिर डालिए, फिर वो खुशी से झूमेगा और आपको उस खुशी में फिर ऊपर वाला भी बरकत डालेगा, आप भी खुशी से झूमेंगे, लेकिन वो खाना किसी को इस तरह खिलाना जो है वो मंजूर नहीं हो रहा है, तो चाहे कबूतर है उसका भी उसको आजाद छोड़िएगा, तो कृपा दाना फिर खिलाइए तो जरूर कृपा आती है, कई जगह मिल जाते हैं कबूतर, ऐसा नहीं कि उसको बंद करके आपने उसको खिलाना ही है, तो जैसे आप फोर्सफुली किसी को बंद करके खिलाते हैं तो वो कभी कृपा नहीं लाता है, वो अच्छा कर्म भी किया हुआ, नीयत अगर आपकी अच्छी भी है लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है बैकफायर करता है, तो ऐसा किसी ने नहीं करना है। तो भाई ये गणेश यादव है, आशीर्वाद है इनके लिए, उषा रानी है, संजू है, प्रजापति आशीर्वाद है, और ये विकास सिंह है आशीर्वाद है, राठौर भाग्यश्री है आशीर्वाद है, और ये डेजलिंग डैश विरगो डैश बड़े लंबे लंबे नाम है, आशीर्वाद है, लेकिन ये जूही शर्मा है आशीर्वाद है। भाई ऐसा हम भी सोच रहे हैं तो ये दोनों में फर्क इतना ज्यादा क्यों है, यहाँ तो ठीक सीधे नाम आते हैं, वहां मैक्सिमम नाम जो है उस तरह के हैं, ये लगता है कि यंग जनरेशन इसमें ज्यादा है, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम का कम जो है अकाउंट बनाते हैं, लेकिन भाई सभी आप बनाइए, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये फीचर बहुत अच्छा है फेसबुक का जो इंटरेक्शन का है, तो इंस्टाग्राम पर है तो वो बनाइए, किसी और पर आएगा तो वहां भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये यूज करना है या नहीं करना है। भाई ये सुधा सिन्हा है आशीर्वाद है, चेतना है और साधना है आशीर्वाद है, और राजकिशोर है, विवेक है, चेतना है आशीर्वाद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि
लाया जा सके और किसी को, लेकिन ये प्रिया सिंह है, अमन पांडे हैं, संजीव गोयल हैं, और इधर रीना शर्मा है, वंतिका है, वे आशीर्वाद है, शर्मा शेखर है, जूही शर्मा है, पूजा मल्होत्रा है, और ये भवानी है, आशीर्वाद है सारे परिवार के लिए भाई, और सुजीत जायसवाल है, आशीर्वाद है सबके लिए, आशीर्वाद है। ये जरा सा टच होता है तो घूम जाता है। गीता है, आशीर्वाद है, कुकुमार है, गोकुल है, आशीर्वाद है भाई सबके लिए, और नीचे करते हैं लेकिन कैमरा रिवर्स हो जाता है। ये आकाश है, प्रीति है भाई, आशीर्वाद है सबके लिए, और प्रीतम गर्ग है, जानवी विश्वकर्मा है, और मनीष कुमार है भाई, आशीर्वाद है, और अनन्या है, सुमन गुप्ता है भाई सबके लिए, आशीर्वाद है, अनुपमा ओझा है, ज्ञानराज ठाकुर है, रश्मि है, ये अनुराधा भटनागर है, आशीर्वाद है इनके लिए। ये प्रीता जेपी है, और वंदना साहू है भाई, आशीर्वाद है इनके लिए भी। ये रीना शर्मा है, जयप्रकाश नारायण है, ये उषा कुमारी है भी, हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई मैसेज बीच में पढ़ा जा सके। ये ईश्वर आदि के बेहरा है, और ये मनोज कुमार सिंह है भाई, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। मनोज कुमार जी, आपके बांके बिहारी बहुत सामने आ रहे हैं, तो बेटर है कि अगर जब भी मौका मिले नजदीक कृष्ण जी का मंदिर हो या वहां जा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और भाई ये रविंद्र मरांडी है, आशीर्वाद है, प्रतिमा है भाई, उनके लिए भी आशीर्वाद है, और
हम कोशिश कर रहे हैं किसी को कैमरे पर लिया जा सके। हाँ जी जी बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली। अच्छा नई दिल्ली से भाई, बिल्कुल आपका नंबर लग गया। हाँ सबसे पहले एक चीज हमें बताइए कि झंडे वाले मंदिर कब गए आप? बाबा जी झंडे वाले मंदिर हम 2 महीने में एक बार जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 15 मिनट का रास्ता है बाबा जी, 10-15 मिनट। भाई दो को एक महीना कर दीजिए। और वैष्णो देवी गए कितना समय हुआ है? वैष्णो देवी बाबा जी जाना है, हमने बुकिंग कर रखी है, 19 मार्च को जा रहे हैं। 19 मार्च को हम जा रहे हैं, मैं मेरी वाइफ। हाँ 19 मार्च को जा रहे हैं, वहाँ भी एंट्री आपकी हो चुकी है, माता की कृपा भी शुरू हो चुकी है। जो बुकिंग आपने कर रखी है तो बिल्कुल जाइए, और आपके काम भी बनेंगे, कृपा भी रहेगी। लेकिन झंडे वाले का 1 महीने कर लीजिए, और वहाँ चाहे 1 साल का या जो भी नियम आप बनाना चाहे, बाकी आशीर्वाद है। दो साल में एक बार भाई 2 साल में जाइए, यहाँ का 1 महीने में कर लीजिए। अरे एक चीज और बताइए, केला बहुत आ रहा है सामने, केला आपने कब खाया है? काफी दिन हो गए बाबा जी, काफी दिन हो गए। कितने? मतलब 10 दिन हो गए होंगे, लगभग 10-15 दिन। इस बीच में सामने तो नहीं आया? सामने आया, टेबल पर रखा था, डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर रखा था, खाने का मन कर रहा था क्या? डॉक्टर ने मना तो किया होगा ना? तो भाई जब डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ है, अब खा भी लीजिएगा तो। अरे एक दर्जन गरीबों में बात कीजिए, ये आशीर्वाद है जी बाबा जी। बाबा जी कृपा करो, कृपा करो, हैप्पी हो, आशीर्वाद है भाई सबके लिए। क्योंकि जो आप खाते हैं पहनते हैं, ये सारा कुछ एक सिस्टम के अंदर चल रहा है। वो शक्तियां सब कुछ देखती हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पूजा कराती है, मन की इच्छाएं भी पूरी करती हैं, जायज नजायज जरूर देखती हैं। मन में ऐसा कुछ खोट नहीं होना चाहिए, और वो इच्छा आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो शक्तियां सब कुछ देती हैं, आपके काम भी चलाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको आप सालों साल नहीं जाएं तो कमी आती है। जो नज़दीक मंदिर है, जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप जल्दी जा सके महीने में जाइए, 15 दिन जाइए, जो आपका नियम है करिए। और जहाँ उनका मेन स्थान है तो चाहे साल का बनाए, वो कोई बहुत दूर है तो 2 साल का बना सकता है, तो वो शक्तियों की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जो भूल जाते हैं तो फिर शक्तियाँ भी भूल जाती हैं, तो ये हमेशा आपने याद रखना है, फिर आपके काम भी बनेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब इधर गुलाब सिंह है, आशीर्वाद है भाई इनके लिए। अनुपमा ओझा है, भाई हैदराबाद का लिखा हुआ है, आशीर्वाद है। और ये शीला तिवारी भी, आपका सबके जो है होली मुबारक सबको हो, पूरे परिवार को हो, और हमारे जितने भी भक्त हैं वो सब खुशियां मनाएंगे। और जो जो भी आपको बताया गया है इतने सालों में आपने सुना है, उसको जीवन में उतारना है, भूलना नहीं है। और ये हम आगे भाई ये राकेश है, सचदेवा है, आशीर्वाद है सबके लिए। और राजीव है, सिद्धार्थ है, अभिजीत दे है,
मैं सबके लिए आशीर्वाद है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी और को भी लिया जा सके। भाई ए बी राव है, आशीर्वाद है। और